तो हमारे मुल्क में तो होना ही था, जैसे ही एकदम बंद किया मुल्क। और बशीर साहब, आपने कहा मेरे से अगर वो पूछ लेते सूबे, तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता। क्योंकि जब आप लॉकडाउन करते हैं, तो पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे लॉकडाउन से माशरे के मुख्तलिफ लोगों के ऊपर क्या असर आएंगे। तो जब तक आप ये ना सोचें कि जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जो गरीब आदमी है, जो छाबड़ी वाला है, जिसका जो कमाई करता है तो बच्चे खाते हैं घर पे, तो जब आपने उनका रोजगार ले लिया तो उनके घर वालों का क्या बनेगा। जब तक आप ये नहीं सोचते, आपको पूरा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। लेकिन एकदम एक पैनिक सी हो गई, सब ने फैसला किया जी वबा फैल रही है। वो यूरोप में देख रहे थे, उनको देखते देखते अब यूरोप के और हालात थे, वुहान सिटी चाइना में और हालात हैं, हमारे हालात ही और थे। लेकिन हमने सख्त लॉकडाउन कर दिया। शुक्र है मेरी बात सुन ली उसके बाद, हालांकि मेरे ऊपर बड़ी तनकीद हुई कि जी देखें हिंदुस्तान में उसने, नरेंद्र मोदी ने कर दिया लॉकडाउन। उसने वो लॉकडाउन किया जो लोग मेरे से तवक्को कर रहे थे मैं करूं। अल्लाह का शुक्र है मैंने प्रेशर रेजिस्ट किया और नहीं किया वो। आज हिंदुस्तान के अंदर जो गुर्बत फैली है, कोई अंदाजा ही नहीं।